बेगूसराय में पुलिस टीम पर अपराधियों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए मटिहानी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के खोरामपुर गांव की है। जानकारी के अनुसार मटिहानी थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खोरमपुर गांव में कुछ अपराधी छिपे हुए हैं। इसी गुप्त सूचना के आधार पर जब मटिहानी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में दल बल के साथ खोरमपुर गांव में छापामारी की गई, तो इस दौरान पुलिस द्वारा एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही पुलिस टीम आगे बढ़ी, वैसे ही अपराधियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में मटिहानी थाना अध्यक्ष सहित 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवान की पहचान मुकेश सिंह, संतोष कुमार और एक चौकीदार थाना अध्यक्ष परशुराम सिंह के रूप में हुई है। इस हमले के बाद अपराधियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने सभी अपराधियों को खदेड़कर हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अपराधियों से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। वहीं मटिहानी थाना अध्यक्ष परशुराम सिंह ने बताया कि अशोक यादव के ऊपर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज था, जिसको लेकर उस पर वारंट जारी हुआ है। इसकी सूचना मिली थी कि पुलिस उस जगह पर है। इसी सूचना के आधार पर जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची और गिरफ्तार भी कर जब लेकर आ रहे थे, तभी पीछे से वहां के महिला सहित पुरुषों ने पुलिस टीम पर लाठी डंडा से हमला कर दिया। गिरफ्तार आरोपी मौके से फरार हो गया। इसी बीच आरोपी के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा औरत भी थी वहाँ। किस लिए गए थे हम लोग पकड़ने के लिए? वर्ण था वहाँ, उसको हम लोग पकड़ के लेके आ रहे थे। जो यहाँ जो पकड़े है वो पकड़ के लाए थे हम लोग। जिसने बोला की कर रही रे मौगी छोड़ी, ये सब मैंने चोर आ गया, इसी पर सब मेहरानू जुट गई। उसके बाद ये सब डांटा से मारने लगा, उसमें थाना प्रभारी का भी चोटा लगा और हम लोग भी। क्या कितने पुलिसकर्मी गए थे यहाँ से पकड़ने? पुलिसकर्मी गए थे, 2 पुलिसकर्मी थे, वो मुंशी जी थे, थाना प्रभारी थे, चौकीदार थे। अच्छा, घायल क्या आदमी? घायल क्या आदमी है? घायल हम सब समूही के है, 3-4 आदमी। हाँ, 4 आदमी घायल भी है और चौकीदार का भी चोट लगा, उसका भी यहाँ सुझा हुआ है। क्या आदमी पकड़ाया था? एक ही आदमी पकड़ाया और भाग गया। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिपाही 75 मुकेश सिंह। चोट लगा था। हम लोग अभियुक्त को पकड़ने के लिए गए, उसके बाद अभियुक्त को पकड़ कर जैसे ही ला रहे थे, तो कुछ 5-6 महिला और कुछ पुरुष मिलकर हम लोगों पर हमला कर दिया। और उसी दौरान अभियुक्त भी हम लोग के हाथों से छूट गया और वो लोग लाठी डंडे से मारना चालू कर दिए। कुछ महिला फेंट भी चला रही थी जो हमको यहाँ पर लग गया और उसको भगा दिया गया वहाँ से महिला द्वारा। और उसी में जो लाठी चला रहा था उसी को फिर पकड़ कर लाया गया यहाँ पर। इतना ही घटना हुआ है।